हिंदी में छड़ के साउथ दे जा रहे हैं, साउथ दी फिल्मां कर रहे हैं। साउथ दे जाने का रीजन यही है कि तुहानूं पंजाब दे वो किरदार नहीं मिल पा रहा जिहड़ी तुहाडे दिल। एग्जैक्टली साडी पंजाबी सिनेमा एडा वड्डा है नहींगा, ठीक है, इन्ना ते वो नहीं हैगा, उड्डियां फिल्मां बनदियां नहीं गईयां। साढ़े कोई भी साउथ के लैवल के डायरैक्टर्स है नहीं, ठीक है, पर थोनों उन्होंने चांस देना पऊगा। तुम जो हम ब्याह मूवियां देखनी है, हाँ ही देखनी है, उधर नहीं फिल्म देखनी है, चीप फिल्म देखनी है, तो फिर वो तो बनी जानी है, देखी जाओ। ज़्यादातर मूवी ब्याह की बननी है, पर उन्होंने सानू कदे याद करे वाल नहीं नजर आए। एक्चुअली कारण है कि मैं फिल्म्स करना चाहता, ठीक है, मैं प्रपोजल्स नहीं कर रहा। वो प्रपोजल होंगे ने, बिजनेस प्रपोजल होंगे ने। बिजनेस प्रपोजल तो सिनेमा के फिल्म के बहुत डिफरेंस है। साउथ हो गया अल्लू अर्जुन, हो गया यश, हो गया प्रभास, हो गया तो राम चरण, हो गया। इस तरह के इन्होंने किरदार जो उठते हैं, एक हीरोइज्म पैदा होती है, स्टारडम लगता है इन्होंने। तो पंजाब के उस तरह का स्टारडम किसी बंदे का कदों बनता होगा। तो सिफारिश नहीं चलती इतने, साड़ी पंजाबी इंडस्ट्री सिफारिश बहुत चलती है, पैसा बहुत चलता है इतने। कहते मैं प्रोड्यूसर हाँ, मैं पैसे ला रहा, मैं हीरो आऊँगा, या मेरा मुंडा हीरो आऊगा, या मेरा तीजा हीरो आऊगा, इदा के काम। जब तक तुम ये चीज़ा करते रहोगे उन्ना चेर कुछ नहीं कर पाते। गंद तो यार हर इंडस्ट्री ठीक है, गंद हर इंडस्ट्री जिंदा। ये तो साडे जिहड़े नवे मुंडे कुड़ियां आ रहे हैं उन्होंने सियाना होना पऊगा। भाई असी किसी ने एक दूजे कदे दीप बारे फोन नहीं किया, क्योंकि साडी हिम्मत ही नहीं पैंदी कि असी एक दूजे नाल दीप दी असी मिले ही नहीं है दीप ते जाण तों बाद, ना ही असी फोन ते गल करिए, ना ही साडी हिम्मत हुंदी है गल करन दी। असी दीप दा नाम मैं ते अमरदीप भाई ने तो ना रखिया हुंदा है, हरप्रीत देवगन ने सरकारी साण, क्यों वो हर चीज़ साढ़े थोप के ना होंदा सीगा। जिहड़ी दीप ने दिल च दीप की गल भी आह काम करना, तो उन्हें करना ही करना, उन्हें साढ़े थोप दे नहीं करनी है, तो असं तो ना पाई सरकारी साण। सो रुतबा पंजाब दा देख रहे हो तुसीं, ते अज असीं अपने शोध के उत्ते जिसनूं लेके आए गैस्ट नूं, वो याद गरेवाल भाजी जिन्हां नूं तुसीं बहुत सारी पंजाबी फिल्मां दे विच देखिया ते तुसीं प्यार भी दिता। सर स्वागत है तुहाडा रुतबा पंजाब दा। थैंक यू सो मच। सर किदां दा किरदार है जिहड़ी आपां अज नवीं एक वैब सीरीज अनाउंस हुई है गोली, उस दे विच तुहाडा की किस तरह दा? गोली तो पता लग ही रहा तुहानूं, ग्रे शेड करैक्टर्स ने, सारे करैक्टर ही ग्रे शेड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ग्रे शेड है। बिल्कुल। ते बाकी करैक्टरां नालों किरदारां नालों किस तरह अलग है तुहाडा? है नहीं कोई इदां मैं नहीं कहंदा डिफरेंट है जी, वो ग्रे शेड करैक्टर है, वही गैंगस्टर स्टोरी है। एजुकेट करने की कोशिश की गई है कि मुंडे जिहड़े अजकल गन कल्चर सिंह दे विच चलदा भी, वो तो कई बार प्रभावित होकर गुंडे बनने का शौक रखते हैं, तो उन्होंने आप यही है कि यार गुंडे नहीं बनी का होंगे, गाने है एंटरटेनमेंट करो, घरें ना लेके जाओ, इन्हों ना लेके जाओ, गाने है एंटरटेनमेंट करो, आपका एंटरटेन होवो, इंजॉय करो तो भुल जाओ, अपने कैरियर बनाओ, IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गुंडे थोड़ी बनना, विलन नहीं बनना। लेकिन अजकल इन्ना ट्रेंड चल रहा कारां दे विच गन कल्चर वाले गाने ला के, गुंडागर्दी वाले गाने ला के तो फीलिंग ले लैंदे ने गुंडियां दी। जे कोई माड़ा मोटा देखदा होवे मेरे कि औखा झाकदा उहदा सिर पाड़ता, इस तरह नहीं हुंदा, ये बहुत गलत है। तो आपां इहदे विच यही दस्सण दी कोशिश कीती है कि एक गलत डिसीजन तुहानूं, एक गलत डिसीजन तुहाडी जिंदगी बदल दिंदा, तुहानूं इहो जिहे हालातां दे विच खड़ा कर दिंदा कि तुहाडे कोल कोई रास्ता नहीं रहिंदा पछताउण तों बिना जां मौत तों बिना। एक मैं जेन्युइन आर्टिस्ट दी गल करें, एक सब तो जेन्युइन चीज़ मैंने तो लगी जी, मैं उन्होंने पूछा कि किस तरह का किरदार है तो बाकियों नालों नहीं, ज़्यादातर आप सुनने को मिलता इस मेरा बहुत अलग है तो सब तो जेन्युइन सीगा कि यार बाकियों वांगू नहीं ग्रे शेड है, पर जो चीज़ तुसीं दसी है कि सानूं सीखनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए, एंटरटेन करनी चाहिए। हम जो है मैं वही दसूंगा हूँ, मैं एवं कही जाऊँ बड़ा बखरा ही होते जाए बखरा, बाद लोग कहते बखरा का कुछ नहीं साला हो जाए कुछ। हाँ वो बाद सानूं कमेंटा 'च पता लग जाता वो चीज़ का। तो सर जिद्दां कि तुहाडी कोई प्रोजेक्ट असाइन करदे हो, तुहाडे कोल स्क्रिप्ट आंदी है, तुसीं पहलां भी काफ़ी लंबे समय तो करदे सी, तुसीं दीप भाई नाल सांझी करदे हुंदे सी कि यार मैं इस प्रोजेक्ट ते काम कर रहा ते भाई तुहानूं सलाह दिंदे हुंदे सी कि यार तुसीं आ कर? बिल्कुल बिल्कुल, दीप मेरे नाल डिस्कस करदा रहिंदा हुंदा सीगा। असीं हुण कुछ ज़्यादा ही करन लग गए सी असीं, क्योंकि हुण मेरे कोल कंसैप्ट आउंदे सीगे, क्योंकि कई मैनूं कंटैक्ट करदे सी, दीप उन्हां दे लिंक 'च नहीं हुंदा जी, असीं दीप नूं साइन करना तां इदां दा पहिलां मैं सुन दसो की है किदां दा रोल है की है। कई बंदे दीप नूं जाणदे सी ते ओह मैनूं नहीं सी अप्रोच कर पाउंदे, तां दीप नाल गल करदे भी याद नूं लैणा सी तां दीप हो जाए दसो किहो जिहा रोल आ, जे मैनूं पसंद आऊगा तां याद करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं हुंदा सी यार दोस्तों जिवें हुंदा है। बिल्कुल कि भाई इत्थे तुसीं देखो ज़्यादातर चलो मूवी दी तो तुहाडी वैब सीरीज़ आ रही है, ज़्यादातर क्वेश्चन उस रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, पर जिस एक मैं दीप भाई दा फैन ते साडी ऑडियंस भी सारे ज़्यादा दीप भाई नूं दिलों सल्यूट करदे ने ते प्यार भी करदे ने, जो उन्होंने काम कीते पंजाब लई ते पंजाब बारे जो उन्होंने दी सोच सी। तो सर उस चीज़ को देखते हो तो कोई लोगों के कोई फोन आते हैं कि सानू दसो दीप किदां दा बंदा सीगा रियल लाइफ दे विच असीं उन्हां नूं देखना पसंद करते सी ते हुण कई बार तुहानूं उस किस तरह के फोन आते हैं? मैंने बहुत फोन आते हैं बड़े, मैंने कहते इंटरव्यू करनी सी दीप बाई बारे गल्लां करनी जी वो। पहली गल तां है कि दीप दे जाण तों बाद दीप के जान का झटके इन्ना लगे कि किन्ना चिर तक तो सदमे चो बाहर ही नहीं आ पाए। ठीक है, इंटरव्यूआं की दिल करता इंटरव्यूआं कर दिल नहीं करता, मैं कोई इंटरव्यू नहीं की। मैं बहुत फोन आते हैं दीप बारे गल करनी सी ओ करनी सी यार, मतलब कि मैं यही कहना भी भाई हो गया बस ठीक है। हाले असी नहीं है उस सेंस के गल कर सकी, हाले सू मतलब सदमे एडा लग्या भी असी भुलन की कोशिश कर रहे हैं हम भी किसी हिसाब से नॉर्मल हो जाइए, पर मतलब फिर भी लोग करते रहते हैं क्यों उन्होंने करना ही है। दीप को प्यार बहुत करते हैं लोग, बट अनहोनी हो गई हम की करिए यार, बस नहीं हैगी गल। सर जिमें कि अमरदीप भाजी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं तो फेसबुक उत्ते सारे सामने तो उन्होंने पोस्टां पता लग जाता कि वो किन्ने दिल दे नेक ने तो दीप नाल किस तरह कनैक्ट होए सीगे। तुसीं कदी इदां होया कि उन्होंने पोस्ट पढ़ के उन्होंने भावुक होकर उन्होंने फोन किया कि यार भाई असी किसी ने एक दूजे ने कदे दीप बारे फोन नहीं किया क्योंकि साडी हिम्मत ही नहीं पैंदी कि असी एक दूजे नाल दीप दी असी मिले ही नहीं दीप दे जाण तों बाद, ना ही असी फोन ते गल करिए, ना ही साडी हिम्मत हुंदी है गल करन दी क्योंकि असी बहुत होर तरीके के बंदे हैं। अमरदीप भाई हो गया, दीप सिद्धू हो गया, मैं हो गया, जिन्ना भी साडा ग्रुप है जिन्ने साडे फ्रेंड सर्कल असी बहुत होर तरीके नाल अटैच है। अमरदीप भाई नाल मेरी अलग दी अटैचमेंट है, असी एक दूजे नाल गल ही नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮਸਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ एक दूजे की लैग पुलिंग करते रहना, खिंचना, किसी की कोई गल नहीं पड़ी बुरी भी लग जानी, दीप की बुरी लग जानी, कहना भी तू तो असी दीप का ना मैं तो अमरदीप भाई ने तो ना रखा होंगे हरप्रीत देवगन ने सरकारी साण क्यों वो हर चीज़ साढ़े थोप के ना होंगे जी। दीप ने दिल च दीप की गल भी आ काम करना तो उन्हें करना ही करना, उन्हें साढ़े थोप के नहीं करनी है ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਣ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਟ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਦੀਪ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 1-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਿਤਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਸੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਨੋਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਚੀਪ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ देना पऊगा। बिल्कुल हाँ ये भी इस चीज देखिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ठीक है मैं प्रपोजल से नहीं कर रहा वो प्रपोजल होंगे ने बिजनेस प्रपोजल होंगे ने बिजनेस प्रपोजल तो सिनेमा के फिल्म के बहुत डिफरेंस है। मैं फिल्म्स करता है मैं सिनेमा करता मैं बिजनेस प्रपोजल नहीं करता मैं मनी मेकिंग कंसैप्ट्स नहीं करता ठीक है। मनी मेकिंग कंसैप्ट्स होंगे ने वो भी जितने लोग 3 घंटे रिलैक्स होने वास्ते जाते हैं वो एक अलग चीज़ है वो एक अपनी लाइन है वो भी ठीक है बट मैं मेरी वो चॉइस नहीं है मेरी चॉइस समथिंग क्रिएटिविटी नाल लिंक है। जिदा सर साउथ हो गया अल्लू अर्जुन हो गया यश हो गया प्रभास हो गया ਤੇ ਰਾਮ ਚਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਡਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣ ਪਾਊਗਾ। देखो जिन्ना चेर जो बंदा जिहड़े काम दे विच माहर है जब तक वो बंदे नूं उस कम नहीं दिता जाऊगा उन्ना चेर ये चीज़ां नहीं होणगीआं। साउथ वाले उही बंदे नूं हायर करदे जिहड़ा बंदा उस काम दे विच माहर है। जे कोई एक्टर तो एक्टर नूं लैंदे ने जे कोई फाइट मास्टर तो कैट फाइट मास्टर नूं ही लैंदे ने उत्ते सिफारिश नहीं चलदी। इत्थे साडी पंजाबी इंडस्ट्री सिफारिश बहुत चलदी है पैसा बहुत चलदा है। इत्थे कहंदे मैं प्रोड्यूसर हाँ मैं पैसे ला रहा मैं हीरो आऊँगा जां मेरा मुंडा हीरो आऊगा जां मेरा तीजा हीरो आऊगा मतलब इदा के काम। जब तक ये चीज़ा करते रहोगे उन्ना चेर तुम कुछ नहीं कर पाते। जे तुम फिल्में बनानी है तो थोड़ा एक रियल टैलेंट है जिसे जोड़ा कि आपके मोटे से फिल्म कैरी कर सके जो 3 घंटे 2.5 घंटे पब्लिक को एंटरटेन कर सके पब्लिक को बन सके ठीक है। जब तक इदा के डायरैक्टर्स राइटर्स एक्टर्स नहीं लैके आते उन्ना चेर तुम ये रिजल्ट नहीं लै सकते। बिल्कुल सर एक एक आर्टिस्ट है पंजाबी उन्होंने काम कर चुके हो उन्होंने चीज़ का खुलासा किया कि पंजाबी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੰਦ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਦ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ।